सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप PNG टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि टेक्स्ट का आउटलाइन होगा और वो भी PNG में, तो उस टाइप का टेक्स्ट एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का हमारा ये जो टेक्स्ट है वो हमारे गैलरी में भी ये वाला टेक्स्ट सेव है। अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड हमारा पूरा हट जा रहा है, यानी कि ये PNG टेक्स्ट है। तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जैसे ये जो हमारा देखिए अंदर का पार्ट है, ये जो वाइट है, इस तरीके का जो मतलब हमारा वाइट भी पार्ट ना हो, और ये जो आउटलाइन है मतलब रेड कलर जो भी है हमारा वही केवल सेव हो। तो इस तरीके का भी टेक्स्ट काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग इस तरीके का टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, इसी के बारे में जो है आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इसको कैसे करना है अभी चलिए समझते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग को चाहिए होगा एक पिक्सआर्ट एप्लीकेशन और एक बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन, ठीक है। दोनों ही एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पहले ओपन करेंगे। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गाइस, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो PNG वाला बैकग्राउंड है इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर जो भी लेयर हम लोग ऐड करेंगे वो हमारा केवल लेयर ही सेव होगा और बाकी का ये जो पार्ट है वो हमारा सेव नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कोई सा एक टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, जैसे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपना नाम लिख देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे एंड उसके बाद जो है यहाँ से अपना मनपसंद फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। आप लोग को जो भी कलर का आउटलाइन चाहिए होगा वो कलर का आउटलाइन आप लोग यहाँ पर ले लीजिएगा। इस पर क्लिक करके स्टॉक ऑप्शन यहाँ पर है, इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर इस तरीके से जिस भी कलर का आउटलाइन चाहिए होगा वो ले लीजिएगा उसके बाद, और जितना अमाउंट चाहिए वो भी ले लीजिएगा। तो हमें चाहिए होगा अमाउंट यहाँ पर 20 ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद जो है टेक्स्ट का कलर हम लोग यहाँ पर रख देंगे ये ब्लैक। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। यहाँ पर कलर आप लोग टेस्ट का कलर एक ही लीजिएगा, क्योंकि इसको अभी हम लोग एक कलर लेंगे तो थोड़ा सा और आसानी होगा इसको PNG बनाने में। तो फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पर इसको समझिए कि हाँ ये अंदर वाला जो है हमारा एक कलर का होगा और हमें अपने मेन आउटलाइन वाले कलर से मतलब है, तो हम लोग को जो कलर का चाहिए होगा आउटलाइन उसको ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा इतना तो हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। इसको सेव करेंगे तो ये हमारे डिवाइस में सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो जाएगा, अब आ जाएगा बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन का काम। अभी थोड़ा सा मैं उस फोटो को दिखाता हूँ कि गैलरी में कैसे आया है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमने ये वाला फ़ोटो अभी सेव किया था वो वाला फ़ोटो हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमारा ब्लैक वाला जो पार्ट है टेक्स्ट के अंदर जो ये ब्लैक वाला है इसको भी हम लोग को जो है बिल्कुल खाली करना है, केवल हमारा बाकी ये वाला रह जाएगा। तो इसको भी हम लोग को करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे एंड उसके बाद जो है यहाँ पर लोड ए फ़ोटो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लोड ए फ़ोटो ऑप्शन पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को यही वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है अपने गैलरी में से। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑटो कलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सब जो है ब्लैक वाले पार्ट पर इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये सब इरेज होता चला जाएगा। एक समान रंग लेने से मतलब ये होगा कि टेक्स्ट के अंदर जितना भी एक समान कलर होगा वो सब हमारा इरेज हो जाएगा और बाकी का यही वाला कलर जो है बचा रह जाएगा। तो इसका ये मतलब था। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो
अपने मन के हिसाब से जो जो भी आप लोग को फॉन्ट पसंद आएगा सभी का आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं ये वाला टेक्स्ट एडिटिंग, तो काफ़ी सही है। आप लोग अगर एडिटिंग वगैरह करते हैं तो इस टाइप का भी टेक्स्ट एडिटिंग चाहिए होता है, तो आप लोग इस तरीके से इजीली बना पाएंगे। इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर डन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्मूथ ऑप्शन है। आप लोग स्मूथ का जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 2 पर रखेंगे। तो देखिए ये जो थोड़ा बहुत आ रहा था स्ट्रोक वो सब भी ख़त्म हो गया है, तो ये बिल्कुल PNG बन गया है। अभी हम लोग यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारे डिवाइस में आ जाएगा। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो फ़ोटो है वो बिल्कुल PNG बन के आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग टेक्स्ट का केवल आउटलाइन सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आप लोग इस तरीके का टेक्स्ट एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था गाइस, और अगर आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की और भी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।